नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने की राय पर बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ इन कलाकारों के भारत में काम करने के पक्ष में है तो कुछ इसके विरोध में। इसे लेकर बॉलीवुड के सबसे दिग्गज म्यूजिक क्रिएशन ग्रुप में एक माने जाने वाले शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा के ग्रुप ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन अपने काम करने के तरीके को लेकर जरूर उन्होंने एक ऐसा ओपिनियन दिया जो उनकी मंशा को साफ कर देता है। शंकर ने कहा कि अभी वे इस बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि अभी माहौल वैसा नहीं है, लेकिन अभी वे सिर्फ भारतीय कलाकारों के साथ काम करना चाहेंगे। शंकर के इस बयान पर एहसान और लॉय ने भी सहमति जताई है। वहीं अभिनेता इरफान खान ने इस बारे में कहा कि सरकार को उन पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा देना बंद कर देना चाहिए और जो हमारे देश की शांति को भंग करता है ऐसे देश के साथ रिश्ते तोड़ देने चाहिए। गौरतलब है कि इस बारे में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने से रोके जाने की मांग के बाद से ही ओम पुरी, नाना पाटेकर, अभिजीत भट्टाचार्य, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, राधिका आप्टे समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।